तो बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम में कमान संभाली। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है असम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। लगातार असम के दौरे पर वो हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए तमाम रैलियां कर रहे हैं और दूसरे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। अब इसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है असम चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। पूरी टीम वहां पर काम कर रही है और इसके बेहतर नतीजे आएंगे, कांग्रेस वहां पर सत्ता में आएगी। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भी रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। असम के चुनावी गणित का पूरा दारोमदार छत्तीसगढ़ की सरकार के नेतृत्वकर्ता आदरणीय भूपेश जी और उनकी पूरी टीम के ऊपर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर दौरा असम में चल रहा है। कांग्रेस के जो हमारे प्रशिक्षण देने वाली टीम है, जो बूथ मैनेजमेंट का काम करने वाली टीम है, वो तो असम में पहुंच चुकी, अपना काम प्रारंभ कर दिया है। अब अधिकांश जो माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों की जवाबदारी दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि लगभग सभी लोग असम के बहुत जल्दी अपने कार्यक्रम में, निर्धारित कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। इधर सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राजनीति तेज हो रही है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी दरअसल कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता को लेकर सवाल कर रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार ने बारदाना देने में जूट कमिश्नर के माध्यम से लगभग असफल रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार पुराने बारदाने में चावल की धान की खरीदी की है। तो उन्होंने पुराने बारदाने से ही एफसीआई में चावल लेने की मांग स्वीकार की थी, लेकिन दुर्भाग्य है सामने कुछ और बोलते हैं, आदेश कुछ और निकलता है। आज तारीख तक केंद्र सरकार पुराने बारदाने से चावल लेने के संदर्भ में कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो ये तो तकलीफ है छत्तीसगढ़ को। पता नहीं छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को क्या दुश्मनी है, ये तो वही जाने। आप चाहे पंजाब की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर ले और बात कर ले, तो छत्तीसगढ़ में सरकार सोई रही समय रहते। और अब जो बात आ रही है कि केंद्र सरकार खरीदी नहीं कर रही है, तो आपने जितना अभी नए बोरा में जो धान खरीदे, नए बोरा आपने लिए जूट कमिश्नर से, और बाकी बोरे की भी व्यवस्था आपको समय रहते यदि कर लेती सरकार, तो आज जिस समस्याओं के हवाला दे रहे हैं और जिन समस्याओं के कारण में जो अवरोध की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राज्य सरकार समय रहते कुछ करना चाहती नहीं है और केवल केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहती है।